हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हो गई हैं तैयारियां शुरू, तो यहाँ पर नंदनी और मेरी भाभी ये सब मिलके मंदिर की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर को सजाएंगे तो उससे पहले उसकी पूरी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो व्रत नहीं है, नीलम का व्रत है और भाई का व्रत है, नंदनी का नहीं है, बस इतने लोगों का ही व्रत है। तो ये लोग पहले मंदिर की क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छे से। और ये कन्हैया जी बैठ के जा रहे हैं बास्केट में, और उनकी मैया दूध लेके घूम रही है कटोरी में। तो दोनों लोगों ने मिलके मंदिर की अच्छे से सफाई कर डाली है। मतलब पहले मैंने झालर वगैरह नहीं धोई थी ना पिछली बार जब मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो इस बार झालर वगैरह भी नंदनी ने सारी निकाल दी थी, और मैंने जो चेंज करने लायक झालर थी वो निकाल भी दी थी, नई झालरें लगवाई हैं इधर पे फिर मैंने, और जो जो ये बड़ी वाली थी वो धो के वही वाली लगा दी हैं। और ये अयान सो रहे हैं इसीलिए परेशान नहीं कर रहे हैं, और जो राधा जी हैं, कान्हा जी सो रहे हैं, राधा जी बाहर बालकनी में खेल रही हैं। तो मंदिर की तो क्लीनिंग हो गई है, बहुत बढ़िया से पूरा मंदिर क्लीन हो चुका है, पूरा साफ़ करके धो डाला है। और उसके बाद नंदनी यहाँ पर बना रही है साबूदाने की खीर, ये व्रत वालों के लिए बन रही है। अपना बना के ये लोग अलग से रख लेंगे, फिर जब जिसका मन होगा तो खाते रहेंगे, और उसके बाद खाना बनाएंगे, ताकि किचन फिर से साफ़ करनी नहीं होगी, क्योंकि खाना पहले बना लेते तो किचन गंदी हो जाती, तो ये लोग अपना अलग से बना के रख लेंगे। और ये दोनों लोग जब मिल के किचन में करते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर करते हैं, क्योंकि सामने टीवी चल रही होती है तो दोनों लोगों की नज़र टीवी में। जन्म के दिन बारिश जरूर होती है, भले ही कुछ हो या ना हो, और बारिश बहुत तेज हो रही है। ये देखिए, ऐसे मौसम में कान्हा जी का जन्म होता है, इसी मौसम में, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तब बारिश बहुत तेज हुई थी, पूरा पहाड़ छाया हुआ है, घनघोर बारिश हो रही है। आप लोगों क्या हो रही है, नहीं हो रही है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर तो दिन में ही बारिश शुरू हो गई है। मैं बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, काफी देर से हो रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम जा रहे हैं बाहर, मैं जा रही हूँ और नीलम जा रही है, क्योंकि हमें कुछ सामान लाना है। तो अभी बारिश भी नहीं हो रही है ज्यादा, तो हम लोग जाके फटाफट से ले आते हैं, पास से ही लाना, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, है ना? ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। दीदी देखो तो पहाड़ों के ऊपर से बादल है, तो समझ में नहीं आ रहा कि पहाड़ है कि बादल है, ऐसे ही लगते हैं जैसे पहाड़ उठ गए काले, बिल्कुल। ये बारिश आती है, धुआं सा छा जाता है पहाड़ों के ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। हाँ। हम तो रोज देखते हैं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। चलो वो पानी भर के जब तक लाएं बरसाने, उससे पहले हम लौट के आ जाए सामान लेके। इन्होंने शिवांशी का मास्क लगा रखा है, ये देखिए कितना छोटा सा मास्क है ना, मास्क नहीं मिला है, ऐसा है नहीं। ये देखिए राधा जी की ड्रेस निकलवा रही थी मैं इनसे, तो मैंने कहा दुपट्टा तो बहुत छोटा है राधा जी का, और अच्छा होना चाहिए, तो वो ओढ़ के दिखा रही हैं, तो सच में इनमें राधा जी की छवि दिख रही थी, इतना स्माइलिंग फेस था इनका। ये देखिए दोनों की हालत क्या हो चुकी है मार्केट में घूमते घूमते, क्योंकि हमारी राधा जी की ड्रेस तो मिल चुकी थी लेकिन कान्हा जी की नहीं मिल रही थी, तो हम ढूंढते ढूंढते अब दूसरी जगह आए हैं, तो कान्हा जी की लेंगे। तो ये है ना, लड़कियों के कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बहुत सारी दुकानों में, लेकिन लड़कों के कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और वैसे तो आंध्रा में जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं, लेकिन इन्होंने बाबू को सजा रखा है, जो बगल में भाभी रहती हैं। आपने इसको छोटा सा देखा होगा जब ये छोटा सा था, और जो इसका बड़ा वाला भैया है वो मतलब अनिरुद्ध, वो अयान के संग का है, लेकिन ये छोटे वाले को सजाया है इस बार, बड़े वाले को कान्हा जी नहीं बनाया, मतलब पूजा वगैरह तो नहीं होती इधर, लेकिन कान्हा जी बनाया है इन्होंने सजा के उसे।
और ये और कान्हा और राधा भी ऐसे ही घूम रहे हैं, ये देखिए साइकिल चलाते हुए। तो इनके लिए भी सामान ले आए हम राधा जी कान्हा जी बनाने का। और सोफ़ा हटा के हमने यहाँ से अलग कर दिया है, पूरा खाली कर दिया है, पूरा क्लीन कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सोफ़े की वजह से जगह नहीं थी, अब पूरी जगह खाली हो गई है क्योंकि यहीं पर हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। तो मैंने अच्छे से पूरा सबको झाड़ू पोछा लगा के क्लीन कर डाला है, लेकिन पूजा के टाइम तक बना रहे साफ़ तब है ना। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी प्रसाद बनाना है तो सब लोग जुड़ गए हैं तो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि मेवा पाक बनाना है, पंजीरी बनानी है, ये सब प्रसाद बनेगा। तो यहाँ पर मैं पहले पंजीरी भुनने के लिए आटा रख दे रही हूँ। वैसे तो जन्माष्टमी में धनिया की पंजीरी बनती है, लेकिन जैसे धनिया सब लोग खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं इसमें थोड़ी सी धनिया सी मिक्स कर दूँगी, ताकि ये हो जाएगा, इसमें धनिया भी मिली हुई है। तो भाभी भून रही हैं पंजीरी, और ये भूनते भूनते पता नहीं कुछ सोचने लगी है, तो मैं उधर से आ रही थी तो मैंने कहा वीडियो बन रहा है थोड़ा अच्छे से देखो। तो नंदनी कह रही है अंदर की फीलिंग्स बाहर आ गई हैं, इसलिए वो मामी ऐसे देख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और होता है इसलिए चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वो क्या है वीडियो में जैसे अच्छे नहीं देखते हैं तो फिर उनको हटाना पड़ता है। यही करोगी उम्मीद है। और ये पहले तो पंजीरी का ही आटा गूंथने जा रही थी, जो पंजीरी भून के रखी थी उसी का आटा गूंथ दे रही थी पूड़ी बनाने के लिए, लेकिन वो बच गया तो पूड़ी का आटा ही गीला हो गया है, तो उसको टाइट किया है अभी आटा मिला के। तो जब मैं अकेले करती हूँ ना किचन में तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन हम जब सब साथ में कर रहे हैं ना तो बहुत भड़बड़ मस्ती है, टाइम उतना ही लग जाता है जब अकेले करो चाहे कई लोग मिलके करो, लेकिन ऐसे जब मिलके करते हैं ना तो पता नहीं चलता है, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो नंदिनी यहाँ पर ग्रेट कर रही है नारियल पाक के लिए, और वहाँ पंजीरी भुन गई है, आटा भी लग गया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ ये नारियल भुनने के लिए। तो एक तरफ नारियल भुन रहा है कढ़ाई में रखे, और दूसरी तरफ गैस में मैं थोड़ा सा घी डाल के सारे मेवे भून लूँगी, क्योंकि मेवे भी पड़ेंगे इस पाक में, और जो जो मेवा डालना चाहते हो मैं इसमें काजू बादाम मखाने किशमिश और खरबूजे के बीज ये सब डालूँगी। खरबूज के बीज तो ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो तो मतलब ज़रूरी ही होते हैं इसमें, जैसे पंजीरी में धनिया ज़रूरी होती है ऐसे इसमें खरबूजे के बीज ज़रूरी होते हैं। तो इन सबको मैंने अलग से भून लिया है, और ये सब भूनने के बाद में थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको दरदरा पीस लूँगी और बाद में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा पाक बन जाएगा, और नंदिनी ने मंदिर की सजावट भी शुरू कर दी है। मैंने कहा हम किचन का काम आराम से करते रहेंगे, और ये काम बाखूबी से नंदिनी करती है, क्योंकि आराम से टाइम लेके तो वो करती रहेगी, और किचन का ये जो प्रसाद वगैरह है मैं बना के रख दूँगी, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, ताकि पूजा के टाइम हम एकदम फ्री हो जाएंगे सारे कामों से इन सब। और यहाँ पर जब नारियल भुनने लगा है तो मैंने इसमें चीनी मिला दी है, और चीनी के साथ में भी इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे, ताकि ये चीनी जब चाशनी जैसी हो जाए मेल्ट होके, और ये जितना भी इसका चीनी का पानी है वो जलने लगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम मेवे। और वहाँ पर ये मखाने भून रही है नंदिनी, क्योंकि जो व्रत वाले हैं इनका थोड़ा सा मैंने कहा खाने को दे दो, 12-1 बज जाएंगे, तो मूँगफली मखाने थोड़ा सा चाय के साथ खा लेंगे ये लोग। हमारी भाभी तो पहले से तैयार हो गई हैं, साड़ी वाड़ी पहन चुकी हैं, तब उन्हें तैयार होने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं पहले किचन के काम फ्री कर लूँगी तभी तैयार होंगी, क्योंकि किचन के काम करने में ये सब करने में कपड़े ख़राब भी हो जाएंगे, और बाद में ही कान्हा जी को भी तैयार करेंगे, राधा जी को भी बाद में ही तैयार करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तैयार कर दिया तो वो सारे नोच नाच के सारे सामान फेंक देते हैं, पहनते ही कहाँ हैं लोग, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर इनको कान्हा और राधा बनाने को मिलता है, बाकी तो ये लोग पहनते नहीं हैं। तो बस ये पाक भी मेरा तैयार हो गया है, तो मैं इसको रख दे रही हूँ जमने के लिए एक साइड में, और पंजीरी भी बन गई है।
और उसके बाद थोड़ी सी पूड़ियाँ, घी की पूड़ियाँ निकालते हैं जो अठमाई बनती है पंजीरी के साथ में, तो उनको मैं निकाल के रख दे रही हूँ। और बाकी की जो खाने वाली पूड़ियाँ हैं वो तो गरम गरम बाद में सेक लेंगे। तो वैसे तो मैं एक एक बेलती हूँ, लेकिन इन्होंने ग्लास से काटा है, कह रही है कि कौन एक एक बेलेगा, तो ग्लास से काट के जल्दी बन जाती हैं, तो मैंने कहा चलो ग्लास से काट के बना लो। तो यहाँ पर पूजा की निकाल ली हैं अठवाइयाँ। चलिए नंदनी को देख के आते हैं, नंदनी क्या कर रही है, क्योंकि सजावट करने को दे आए थे उनको, तो अभी शुरू भी नहीं किया है यहाँ पे काम, एक भी गुब्बारा नहीं फूला है, क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहा होगा उसको, तो यहाँ पर इसने शुरू ही किया है अभी झालर वगैरह लगाना। और अभी मुझे चंदामृत बनाना था, तो दही मैंने आज सुबह ही जमाया है, क्योंकि वैसे तो मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले रख देती थी जमा के, लेकिन कल मुझे याद ही नहीं रहा, तो इसलिए सुबह जमाया था, लेकिन शाम तक वो जम गया है। तो मैंने यहाँ पर चीनी, सारे मेवे, थोड़ा सा गंगा जल और इसमें क्या मिलाते हैं शहद, ये सब मिला के चंदामृत भी बना के रख दिया है। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी नहाएंगे। और अभी हाँ, मुझे कान्हा जी को भी तो तैयार करना है, उनका झूला वगैरह तैयार करना है, वो सारे काम भी करने हैं। अरे वाह, इस बार तो नंदनी ने बड़ा सजाया है, बिल्कुल अलग लग रहा है। रेड येलो रेड, मैं तो किचन में लगी हुई थी, इसको छोड़ दिया था सजाने के लिए, मैं तसल्ली से कितना भी टाइम लेगी, क्योंकि अगर मैं सजाने आती तो मुझे बहुत जल्दी पड़ती है। अच्छा तो नंदनी ने बहुत अच्छे से सजाया है, पहले लग रहा था कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब करने पे आई है तो सब कुछ अच्छे से कर लिया है। और आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।